बहन बेटियों के सम्मान में तथा हाथरस में युवती के साथ हुई घटना के विरोध में भारत माता चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया और दुष्कर्मियों को फांसी दिलाए जाने की मांग भीम आर्मी द्वारा की गई। वहीं मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया गया। भीम आर्मी द्वारा लगातार बहन बेटियों के सम्मान में और हाथरस में हुई घटना के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार दोपहर भीम आर्मी द्वारा भारत माता चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बहन बेटियों के सम्मान में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाने की मांग की गई। तो वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस को चकमा देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का पुतला जलाया गया और घटना के विरोध में ज्ञापन भी सौंपा गया। हाथरस की घटना को लेकर यहाँ पर हमने प्रशासन के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी घटना को लेकर उन्होंने अभी तक उनको ओनली गिरफ्तारी हो पाई है और हम उनकी फांसी की मांग करते हैं। जो हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो दुष्कर्म करके उनको उनके हाथ पैर और जुबान काट दी गई है, उनको दरिंदों को जब तक फांसी की सजा नहीं होगी हम ऐसा ही मोदी और योगी के पुतले जलाते रहेंगे। और या ऐसा नहीं, अगर उनको फांसी नहीं हुई तो हमारी भीम आर्मी कुछ उग्र आंदोलन कर सकती है। हमने आज मोदी और योगी का पुतला जलाया है 4-0 को और धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे इस मामले को लेकर।